हमारी सिंहगढ़ पंछियों की घाटी की श्रृंखला में अब तक हमने 14 सुंदर पंछी देखे और उनके बारे में थोड़ी जानकारी ली। अभी साकरी कड़ी में देखेंगे 11 और भी सुबक और लुभावनीय पंछी। माघ महीने के अंततः यानी जनवरी महीने के आखिर में यहाँ के जल प्रवाहों की आवाज पंछियों की चहचहाट में परिवर्तित हो जाती है। सवेरा होते ही सूर्य किरणों के साथ इनका आगमन होता है। कुछ पंछियों का जल प्रवाह पर आने का समय लगभग निश्चित होता है। ये है सफेद गाल कस्तूरी, जिसे मराठी में नारंगी डोक्याचा कस्तूर और अंग्रेजी में ऑरेंज हेडेड थ्रश कहते हैं। ये ज्यादातर जमीन पर दिखाई पड़ते हैं और जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को उछालकर नीचे छुपे हुए कीटकों को निकालकर खाते हैं। यह है नीले और केसरी रंग का सुंदर पंछी, जिसे मराठी में नीलिमा और अंग्रेजी में टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर कहते हैं। सवेरे की नर्म धूप में यह पानी के कुंड में डूबने का आनंद लेते हैं। डूबने से पहले ये पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं और पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही पानी में डुबकी लगाते हैं। उसके बाद अपने शरीर से पानी की बूंदें तेजी से झटकते हैं, पुनः निरीक्षण करते हैं और फिर एक बार डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ छोटे आकार के परंतु लुभावने पंछी बहुत ही मधुर चहचहाट करते हैं, जो किसी गाने के भांति ही सुनाई देता है। यह है रामगंगारा, जिसे मराठी में राखी रामगंगारा या बलगुली और अंग्रेजी में सिनेरियस टिट कहते हैं। इस पक्षी को मराठी में लाल छाती का तांबुला और अंग्रेजी में रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर कहते हैं। यह मादा है। ये बहुत ही चंचल और ढीठ होते हैं। पानी के कुंड में डुबकी लगाने से पहले क्षेत्र की पुष्टि करते हैं और फिर डुबकी एक क्षण के लिए लगाते हैं और तुरंत पास वाली डाली पर जा बैठते हैं। ये है दहियर, मराठी में दयाल और अंग्रेजी में ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन के नाम से जाना जाता है। ये मादा है, जिसे इसके हल्के काले रंग से पहचाना जा सकता है। पीले और काले रंग का ये छोटा पंछी, इसके सिर पे काले पंखों का उभरा हुआ गुच्छा होता है, जिसे मराठी में पिवड़ा बलगुली और अंग्रेजी में इंडियन येलो टिट कहते हैं। घाटी में अक्सर जोड़े में ही पाए जाते हैं। इनकी भी चहचहाट मधुर होती है। एक डाल से दूसरी डाल पर विहार करते हैं और फिर पानी पीकर सूक्ष्म कीटों और फूलों का आस्वाद लेते हैं। यह है चाकदिल, इसे अंग्रेजी में व्हाइट थ्रोटेड फैंटल कहते हैं। ये असाधारण तरीके से चंचल होते हैं, एक जगह कुछ समय के लिए टिक ही नहीं पाते, इसीलिए मराठी में इसे नाचरा यानी कि नाचने वाला कहते हैं। यह है हरियल, इसे मराठी में वेड़ा राघु और अंग्रेजी में ग्रीन बी ईटर कहते हैं। इनका रंग बहुत ही चमकदार होता है। उड़ते हुए कीटकों को झपटने में ये माहिर होते हैं। यह है मुनिया,
जिसे मराठी में ठिपकेदार मुनिया और अंग्रेजी में स्केली ब्रेस्टेड मुनिया कहते हैं। यह है पिपिट, जिसे मराठी में वृक्ष तीर चिमणी और अंग्रेजी में ट्री पिपिट कहते हैं। यह एक तरह का तोता है, जिसे मराठी में तोई पोपट और अंग्रेजी में प्लम हेडेड पैराकिट कहते हैं। घाटी में आने वाले सभी छाया चित्रकार ही नहीं होते, तो कुछ पक्षी निरीक्षण या अध्ययन के लिए भी आते हैं। आपके पास कैमरा हो या ना हो, इन पंछियों की चहचहाट को सुनते और इनकी हरकतों को देखते देखते समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हमारी इस सिंहगढ़ पंछियों की घाटी की श्रृंखला को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।